आज इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं सेविंग बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस। कुछ ऐसी बातें आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस नहीं आएगा। और वीडियो के हर एक वर्ड पे अच्छे से फोकस करिए ताकि आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो सके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, आप ब्राउजर पे सर्च करिए studywordy.com, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। इनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कवर करूंगी कि एक पर्सन कितने सेविंग बैंक अकाउंट रख सकता है, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि पर्संस एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। तो अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ोगे किसी भी रूल को या सेक्शन को, तो कहीं भी सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन करने की लिमिट स्पेसिफाई नहीं है। यानी कोई भी पर्सन एक से ज्यादा बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकता है, ओपन करा सकता है, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी इश्यू नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन कवर करेंगे सेविंग बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस जिन पे आपको ध्यान देना जरूरी है। अब अगर हम जर्नल सिनेरियो देखें तो मान लो राम ने HDFC बैंक में अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराया। अब राम की मर्जी है कि वो कितना भी अमाउंट उसमें जमा कराए और कितना भी अमाउंट उसमें से विड्रॉ करे, बैंक कोई भी लिमिट नहीं लगाता है, करेक्ट? बैंक की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं होती। पर अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में आएंगे तो वहां पर कुछ चीजें दी गई हैं जिनको अगर हम कोरिलेट करें तो उनका आपको ध्यान रखना जरूरी है। मैं यहां बात करूंगी आपकी कैश ट्रांजैक्शंस पर। वर्ड को नोट करिए, किसकी मैं डिस्कशन कर रही हूं? कैश ट्रांजैक्शन की, ठीक है? यानी गवर्नमेंट का फोकस है कैश ट्रांजैक्शंस कम करना, इसीलिए सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल की एक लिमिट स्पेसिफाई कर रखी है। अगर इस लिमिट से ज्यादा आप कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट करते हो तो बैंक इन ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है और आजकल ये आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी दिखाई देते हैं। वो लिमिट है डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट की 10 लाख है और कैश विड्रॉल की भी 10 लाख है। यानी कोई भी पर्सन कंसोलिडेट पूरे साल में अपने एक या एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा कराता है कैश में या 10 लाख रुपए विड्रॉ करता है कैश में, तो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं बैंक रिपोर्ट कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब आपका क्वेश्चन, मेरे पास ऐसी वीडियोस पे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने ये पैसा अदर देन कैश अपने बैंक में जमा कराया है या विड्रॉ किया है तो भी क्या दिक्कत होगी? नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करी गई है कैश की, इसलिए मैंने कहा था कि वर्ड पे फोकस रखना, कैश की मैं बात कर रही हूँ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा तो मतलब कोई भी पर्सन 10 लाख से ज्यादा का ना तो कैश डिपॉजिट करे बैंक में ना ही कैश विड्रॉ करे, क्या मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ? आप कर सकते हैं, बट आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो अगर किसी पर्सन का सोर्स ऑफ इनकम है, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, उसके बेस पर टैक्स पे करता है, तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको प्रोहिबिट नहीं करता है इन ट्रांजैक्शंस के लिए, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मोटिव है इनको इन ट्रांजैक्शंस के लिए ये देखना कि क्या ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन सोर्स से है। अगर किसी जेन्युइन सोर्स से है तो क्या उस पर इनकम टैक्स पे करा गया है या नहीं। क्लियर हो गया आपको? तो कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल की 10 लाख की लिमिट है आपके सेविंग बैंक अकाउंट में। तो अगर आप इनकम टैक्स नोटिस से बचना चाहते हैं, आप इस लिमिट को अपने पास नोट कर लीजिए। अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं कैश में अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, तो अगर आप विद इन दीज लिमिट्स करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ पर्सन साथ ही मुझसे करंट अकाउंट के बारे में भी पूछते हैं, तो करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल की लिमिट है 50 लाख, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गया आपको? दो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सेटल हो गए। अब डिस्कस करते हैं तीसरा क्वेश्चन। मान लीजिए किसी पर्सन ने ऐसी ट्रांजैक्शंस कर दी हैं कि अपना कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर रखा है बैंक में, और मान लो वो अपनी आईटीआर नहीं भरता, आईटीआर भरी भी हुई है तो बिल्कुल ही कम अमाउंट की, टैक्स पे ही नहीं कर रखा गवर्नमेंट को, तो क्या इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आएगा? यस,
बिल्कुल आएगा। क्या उसकी कोई टाइम लिमिट है? यस, टाइम लिमिट है डिपार्टमेंट की नोटिस इश्यू करने की, सेक्शन 148 आप रेफर कर सकते हैं इसके लिए। उसमें टाइम लिमिट दी गई है 6 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि एक असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 6 साल के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू कर सकता है, यानी ये अप्रोक्सीमेट 7 ईयर्स बन जाते हैं। और अगर हम जर्नल सिनेरियो देखें जो हमने अपने आसपास देखा है, तो जर्नली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू करते हैं एंड ईयर्स में, बिल्कुल जो आखिरी के साल होते हैं। उसका लॉजिक है, इतने दिन के बाद नोटिस इशू करने में एक तो पर्सन भूल जाता है आधी चीजें, है ना, हमारी मेमोरी की एक लिमिट है, तो उस मेमोरी के हिसाब से हम चीजें भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको मैं एडवाइस करूंगी कि ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शंस करो, अगर आप ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शंस करो कैश की अपने बैंक अकाउंट्स में, या किसी भी रिलेटिव से पैसा ले रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो आप अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर दो। चाहे तो आप मैनुअल डायरी रख सकते हो, अदरवाइज आजकल ई डायरीज भी अवेलेबल होती हैं, आप अपने मोबाइल में ही उनका बेनिफिट ले सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है कि हमारी जो मेमोरी की लिमिट है, जो वर्बली हम चीजें याद नहीं रख पाते, वो हमें याद रहती है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ऐसे टाइम पे नोटिस इशू करता है जब आधी से ज्यादा चीजें हम भूल चुके होते हैं। करेक्ट, तो नोटिस आ सकता है, टाइम लिमिट मैंने आपको बता दी। मान लीजिए राम ने पूरे साल में 20 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करा दिया अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, और उसने उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है, तो अब आ गया उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस। डिपार्टमेंट ने पूछा कि ये सोर्स हमें बताइए, किस सोर्स से आपने ये पैसा कलेक्ट करके अपने बैंक में जमा कराया है। तो अब राम को इसका रिप्लाई करना पड़ेगा, वो या तो सोर्स जस्टिफाई कर दे कि मेरी कोई इनकम है और उसको मैं इकट्ठा कर रहा था, या मैंने उसको फिर बैंक में जमा करा दिया, या फिर अगर उसने किसी से लोन लिया है तो वो बताएगा किस पर्सन से उसने लोन लिया है, वो पर्सन भी जिस पर्सन का वो नाम लेगा कि मैंने इससे लोन लिया है, तो उस पर्सन के साथ भी इंक्वायरी करी जाएगी कि क्या उस पर्सन ने राम को लोन दिया है और उसकी भी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो इस तरह से नोटिस पे आगे वर्क किया जाता है। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें नोटिस में हो सकती हैं। तो कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास ना आए तो आपको ध्यान रखना है इन लिमिट्स का, जो कैश की लिमिट्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। अगर आप विद इन द लिमिट कोई भी काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है, और अगर लिमिट से ऊपर भी चले जाओ, बट अगर आपके पास जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल है, आप अपनी आईटीआर भरते हो, टाइमली टैक्स पे करते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, और अदर देन कैश ट्रांजैक्शंस में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ मैंने आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर दिए हैं। तो अपने सेविंग बैंक अकाउंट्स को बहुत ही केयरफुली मेंटेन करा करें, उनमें जो ट्रांजैक्शंस आप करते हो, चाहे वो किसी भी चीज की, मैंने यहाँ पे कैश की बात करी, कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो ना, आपको हर चीज का ध्यान रखना, जैसे प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, क्योंकि हर चीज की एक स्पेसिफाइड लिमिट है जिसके बाद वो रिपोर्ट कर दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यहाँ मैंने बात करी है कैश की। अगर आपको और भी चीजें जाननी है तो कमेंट करके बताइए कि क्या पर्टिकुलर आप जानना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड की लिमिट, शेयर्स की लिमिट, क्रेडिट कार्ड की लिमिट, फिक्स डिपॉजिट की लिमिट, तो कमेंट करिए, मैं और भी वीडियोज आपके साथ शेयर करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था हमारे कोर्सेज के बारे में, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट लव्ड कोर्स TDS एंड TCS कोर्स अवेलेबल है आपके लिए, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रखा है। इस कोर्स को लेने के बाद आप खुद की प्रैक्टिस TDS एंड TCS में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें कवर करी गई हैं कि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। TDS ऑन प्रॉपर्टी सीखना है तो वो कोर्स अलग से भी अवेलेबल है, वैसे ये इस कोर्स का भी पार्ट है। देन अगर आपको GST में रिकंसिलेशन करने में दिक्कत आती है, आप सीखना चाहते हैं, तो वो कोर्स हमने अवेलेबल करा दिया है। और रिकंसिलेशन के साथ ही आपको लग रहा है कि 3B फाइलिंग भी मैं सीख लूँ, एडजस्टमेंट एंट्रीज भी सीख लूँ, तो ये वाला कोर्स आप ले सकते हैं। देन MSME का कोर्स है हमारा, जिस पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। MSME रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स आप भी ले सकते हैं अगर आप खुद को MSME में रजिस्टर कर दें, तो ये कोर्स आपको पूरी तरह से उसके लिए गाइड करता है। GST एनुअल रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट नियर है, तो अगर आपको रिकंसिलेशंस के साथ 99C सीखना है और बिना किसी एरर के फाइल करना है, तो ये सेशन आप हमारा लीजिए। देन हमने कुछ कॉम्बो अवेलेबल करा रखे, क्योंकि हमारा अलग से GST कोर्स भी अवेलेबल है।
अलग से इनकम टैक्स कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें इनकम टैक्स आईटीआर एंड टीडीएस रिटर्न्स आपको भरना सिखाया गया है, और यहाँ पे कॉम्बो बना दिया गया इनकम टैक्स का ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के साथ और जीएसटी का ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के साथ। फ्यूचर ऑटोमेशन का है, तो अगर आपको कोई भी काम ऑटोमेट करना आ जाए तो उससे क्या बेनिफिट होगा आपको, आपका टाइम सेव होगा। तो हमारा ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है, इसका भरपूर बेनिफिट लीजिए, इससे आपका और आपके स्टाफ दोनों का टाइम सेव होगा। और चाहे आपका क्लाइंट डेली आपके पास आ जाए कि मुझे बैलेंस शीट चाहिए, तो आप डेली उन्हें बैलेंस शीट प्रोवाइड कर सकते हो। देन हमारा आगे है मेगा कॉम्बो कोर्स, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे सभी कोर्सेस कवर हैं, इसका बहुत सारे पर्सन बेनिफिट ले रहे हैं। सिर्फ आपको जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर एंड टीडीएस सीखना है तो उसका भी कॉम्बो अलग अवेलेबल करा दिया गया है। कोर्स से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप इनसे बात कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट जरूर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपके लिए और भी बेनिफिशियल कोर्सेज हम ला रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।